मान अपमान और स्वाभिमान, जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान अपमान और स्वाभिमान। अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। राजनीति के अंदर तीन चीज़ें काम करती हैं, मान अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण तो यही हो सकता है। राज्यसभा में नहीं भेजा गया या कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब मैंने मैंने उन बातों का खुलासा नहीं किया, मैं तो इसीलिए मैंने सूत्र वाक्य बोल दिया कि मान अपमान और स्वाभिमान। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने के। जाने की संभावना है। ऐसा तमाम सारे राष्ट्रीय टीवी चैनल बता रहे हैं, कई जगह से दूरभाष पे फ़ोन आ रहे हैं वरिष्ठ जनों के। तो जब छिंदवाड़ा के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए अचानक, तो ये अटकलें स्वाभाविक तेज हो गई हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ जी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शायद बदलाव लाए।